तो 18.5 साल में बहना की याद नहीं आई शिवराज सिंह जी को? मेरा तो उनसे एक ही प्रश्न है कि भारतीय संविधान में उनको भरोसा है कि नहीं है। हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी के निर्देशन में मैं हर विधानसभा सीट में सेक्टर मंडल के गठन की चर्चा कर रहा हूं, उन लोगों से बातचीत कर रहे हैं, उनको अपनी बात कहने का मौका दे रहे हैं। जितने भी हमारे कांग्रेस के सदस्य हैं उस विधानसभा क्षेत्र के, उन विधानसभा क्षेत्र के लोगों से हम लोग राय मशवरा ले रहे हैं और उनकी बात सुन रहे हैं। ये पूरी तरीके से हमारी तैयारी के लिए, होने वाले चुनाव की तैयारी के लिए हमारा ये प्रयास है। और इसमें कैसे हम लोगों के इस क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी जीते उस पर हम राय मशवरा करेंगे। ये एक दूसरे की आलोचना, पार्टी के अंदर की आलोचना के लिए ये मीटिंग नहीं है, लेकिन कैसे हम लोग भाजपा को हरा सके और भाजपा की जो कारगुजारियां रही हैं और यहाँ के क्षेत्रीय विधायक जी ने किस तरह से यहाँ को लूटा है जनता को और सरकार किस तरह से लूट रही है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। कोई प्रश्न पूछना हो तो पूछ लीजिए। सर, 2023 में कांग्रेस कितनी सीटें मध्य प्रदेश में जीत के अपनी सरकार बनाएगी? सरकार बनाने के लिए हमको चाहिए 116। 2023 में कांग्रेस के पास में मुख्यमंत्री का चेहरा युवा होगा या फिर? हमारे एक ही चेहरा है, कमलनाथ। केंद्र में 2024 में मोदी का विकल्प कांग्रेस क्या देखती है? व्यक्ति का, ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, ये संसदीय प्रणाली है। संसदीय प्रणाली में पार्टी जीतती है, व्यक्ति नहीं जीतता है। अभी हाल ही में देखा जा रहा है, चाहे संत हो या कथावाचक संत हो या भारतीय जनता पार्टी, वो एक ही बात करती है, हिंदू राष्ट्र बनाने की। हम दोनों को देखते हैं मिलाकर तो वो कहीं ना कहीं दोनों की भाषा एक ही दिखती है। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? मेरा तो उनसे एक ही प्रश्न है कि भारतीय संविधान में उनको भरोसा है कि नहीं है। अगर भरोसा नहीं है तो वो सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता जो संवैधानिक पदों पर इस्तीफा दें। जहां भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के लिए अनेक योजना चला रही है, भाई कैलाश विजयवर्गीय एक बयान देते हैं लड़कियों की वेशभूषा को लेकर, उस पर आप क्या कहेंगे? उनको माफी मांगना चाहिए कैलाश विजयवर्गीय जी को। शिवराज सिंह चौहान ने शुरू किए, वहीं कांग्रेस का भी ये दावा है कि हमारी सरकार बनी तो हम 1500 देंगे, तो इस योजना का 2023 में क्या इफेक्ट होगा? भाजपा की सरकार 2003 में आई और ये 2023 है। अगर वो 15 महीने छोड़ दें जहां कांग्रेस सरकार रही, तो 18.5 साल में बहना की याद नहीं आई शिवराज सिंह जी को। ये केवल चुनावी स्टंट है और अभी तो फॉर्म भरे जा रहे हैं, लोगों के हाथ पांव जोड़ रहे हैं, घुटने टेक कर प्रार्थना हो रही है बहना हमें दे दो, लेकिन बहना के पति जीजा जी के घर की तलाशी ली जा रही है, बिजली के बिल में उनके कुड़की चल रही है। ये केवल वादे हैं, इन्होंने कितने वादे किए हैं? कर्जा माफ हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो जा, कौन सा किया है? एक भी वादा इन्होंने पूरा नहीं किया। और ये बहना की याद 18.5 साल बाद आई है, ये इस बात से साबित होता है कि इनका कोई लेना देना नहीं, केवल चुनावी स्टंट है। पुरानी पेंशन बहाली, हम तो उसके पक्ष में कह चुके हैं कमलनाथ जी। सर, 2023 से पहले जो लोकल निकाय के चुनाव हो, ग्राम पंचायत की हो, जिला पंचायत की हो, जनपद पंचायत की हो, आज आपके बड़े बड़े नेता दिख रहे हैं, लेकिन छोटे चुनाव में वो कहीं ना नहीं नजर आते, ऐसा क्यों? ऐसा कोई पार्टी बेसिस पे चुनाव होते नहीं है, वो चुनाव होते हैं निजी स्तर पर बिना पार्टी के। तो हमारी पार्टी के लोग लड़ते हैं और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि 75% से ज्यादा सरपंच डायरेक्ट जो चुनाव हुआ वहाँ कांग्रेस के लोग जीत के आए। फिर भारतीय जनता पार्टी ने कहीं टेंडर वोट, कहीं खरीद फरोख्त के अपने अध्यक्ष बना लिए, उपाध्यक्ष बना लिए, लेकिन जनता ने वोट जब दिया तो कांग्रेस के पक्ष में दिया। अभी कुछ देर पहले आपने बोला कि शमशाबाद में विधायक ने लूटमार मचा रखी, तो आपके नेताओं ने आपको क्या फीडबैक दिया, कैसी लूटमार मचा रखी? ये बताओ कौन से क्षेत्र में लूटपाट नहीं है उनकी? मैं तो उनकी चार्जशीट बना रहा हूं उनके खिलाफ।